आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए BA LLB सातवें सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 और 24 के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या फिर PDF क्वेश्चन पेपर की चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। एग्जाम देते समय आपको एक बात ध्यान रखना है, पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपका सब्जेक्ट। आपको अपना सब्जेक्ट देखना है कि वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ यानी कि महिलाओं के विरुद्ध विधियां आपका जो सब्जेक्ट है यही है कि दूसरा है। अगर आपका यही सब्जेक्ट है तो आपको इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है और आपको हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पर चले जाना है। वहां पर आपको BA LLB प्रथम सेमेस्टर से लेकर BA LLB दसवें सेमेस्टर और LLB प्रथम सेमेस्टर से लेकर LLB छठवें सेमेस्टर तक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम में जो आपको समय दिया जाता है 3 घंटे का दिया जाता है और पेपर पूछा जाता है 60 नंबर का, जिसमें आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और 5 प्रश्न आपको करने पड़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर का होता है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, दहेज मांगना एक अपराध है। इस कथन की विवेचना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों की सहायता से कीजिए। यानी कि पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था दहेज मांगना एक प्रकार का अपराध है, इसकी विवेचना कीजिए। जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम यानी कि कानून था 1961 का, उसके प्रावधानों की सहायता से कीजिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया, कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से आप क्या समझते हैं, इस संबंध में उच्चतम न्यायालय की क्या भूमिका है। यानी कि दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया था, ऐसी महिलाएं जो काम करती हैं किसी फैक्ट्री में, किसी वर्कशॉप में, किसी स्कूल कॉलेजों में, उनके साथ उनका कोई सीनियर है, उनके साथ यौन उत्पीड़न या उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है या उनके साथ छेड़छाड़ करता है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, उन निर्णयों की भूमिका समझाइए, यह पूछा गया था दूसरे प्रश्न में। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत वैश्य व्यक्ति पर रोक लगाने से संबंधित क्या प्रावधान है। यानी कि जो स्त्रियों का अनैतिक व्यापार किया जाता है उसमें वैश्य व्यक्ति प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, इस पर रोक लगाने चाहिए, आपका क्या मत है, इस संबंध में आपको लिखना था। इसके बाद चौथा प्रश्न पूछा गया, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत पीड़ित महिला को क्या क्या अधिकार है। यानी कि घरेलू हिंसा, घर से पीड़ित महिला है जो, वह कानून बनाया गया था महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में, इसके अंतर्गत महिला के कौन कौन से अधिकार है उसके बारे में लिखना था। पांचवा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, महिलाओं को विशिष्ट अशिष्ट रूपण। इसके बाद दूसरा, जारकर्म, जारकर्म यानी कि अडल्टी, इसे इंडियन पेनल कोड की धारा 497 में परिभाषित किया गया है लेकिन इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में, इसके बारे में आपको लिखना था अडल्टी क्या है।
इसके बाद छठवां प्रश्न पूछा गया, भ्रूण की प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण को वर्जित करने की विधि पर लेख लिखिए। सातवां, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत बलात्संग के अपराध में पीड़िता की सहमति की भूमिका की विवेचना कीजिए। आठवां, आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध की विवेचना कीजिए। किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा क्या है। इसके बाद नौवां प्रश्न पूछा गया, महिला श्रमिकों की सुरक्षा हेतु कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, उनमें उन्हें क्या अधिकार और उपचार उपलब्ध है। यानी कि नौवें प्रश्न में पूछा गया था, महिला अगर कोई काम पर जाती है उनकी सुरक्षाओं को लेकर भारत सरकार द्वारा कौन कौन से कानून बनाए गए हैं उसके बारे में लिखिए, और उन्हें कौन कौन से अधिकार और उपचार प्राप्त है अगर वे महिला किसी काम पर जाती हैं, जैसे किसी ऑफिस में काम करना, किसी वर्कशॉप में काम करना, तो ऐसी महिलाओं के क्या अधिकार है, यह पूछा गया था नौवें प्रश्न में। इसके बाद दसवां प्रश्न, नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाले यौन अपराधों के लिए समुचित विधि का अभाव है, बताइए क्या अपराधी को फांसी की सजा देना सही है। यानी कि दसवें प्रश्न में पूछा गया था, ऐसी बच्चियां जिनकी आयु अभी 12 वर्ष से कम या फिर वे अभी अवयस्क है, यानी कि अभी 18 वर्ष की नहीं है, अगर उनके साथ कोई व्यक्ति यौन अपराध या कोई शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाता है, भारत में इस विधि का अभाव है, आप अपने विचार बताइए, क्या उन्हें फांसी की सजा देना उचित है कि नहीं है, इस प्रश्न में यह पूछा गया था। अगर आपने दोस्तों एक बार भी इन प्रश्नों को पढ़ लिया और अच्छे से समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आप बिना पढ़े भी इन प्रश्नों को लिख सकते हो अपनी कॉपी में, और आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पर चले जाइए, आप वहाँ पर देख लीजिए, प्रत्येक साल के पुराने पेपर आपको मिल जाएंगे कि कितने ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपकी क्या राय है इस क्वेश्चन पेपर को लेकर, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।